हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से आपका एक बार स्वागत है वोकैब डोज शो में। एंड अगेन हम लोग आपके लेके लिए लेकर आए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन क्वालिफाइंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो गाइज, चलते हैं आज के हम लोग पहले वर्ड की तरफ। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम टू द शो गाइज। चलते हैं आज के वर्ड की तरफ। ये जो वर्ड हमने फर्स्ट वर्ड लिया है, दैट इज एंग्वेश। तो आपको मुझे बताना है इस इमेज को जज करते हुए व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स एंड मीनिंग synonyms and antonyms for this word that is anguish। अब यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है जो बहुत एक सैड सा इमेज है, जहाँ पे एक इंसान जो है ही इज लाइक बेसिकली लाइक क्राइंग एंड ही इज ऐसे कुछ लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से एंड ही इज बैडली क्राइंग। तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बाय लुकिंग टुवर्ड्स द इमेज। गाइज बताइए क्या हो सकता है मीनिंग यहाँ पे। चलते हैं गाइज हम लोग इसके मीनिंग की तरफ। मीनिंग में इसका मीनिंग रहता है एक्सट्रीमली सफरिंग और ग्रीफ। तो जो इंसान बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में सफर कर रहा हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स को झेल रहा हो, उसका लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज एंग्विश। अब इसको हमने लर्न कैसे करना है, कैसे हमने इसको अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए बिठाना है, दैट इज एंगर को हमने डिवाइड करा है एंगर, देन वी हैव इज यू एंड विश। तो एंग्विश इज द वर्ड बेसिकली, एंगर, यू एंड विश। व्हेन यू आर इन एंगर विद समवन, जब हम लोग किसी के साथ गुस्से में होते हैं, तब हम लोगों का क्या रहता है, तब हम लोगों को क्या विश रहता है हमारा, कि उस इंसान को पेन होना चाहिए, उस इंसान के लाइफ में स्ट्रेस होना चाहिए, ताकि वो भी थोड़ा सा दुख को फेस करे। बिकॉज हम लोगों का, अगर हमें उसने गुस्सा दिलाया है किसी सिचुएशन को लेके, तो उसके लाइफ में भी कुछ ऐसा गलत होना चाहिए, ये हम लोग थोड़ा सा अजम्पशन लेके चलते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो वहां पे हमारा ये बनेगा एंगर, यू विश। तो वहां पे जो इंसान हमें गुस्सा दिला रहा है, हम लोग चाहते हैं कि उसको भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज या थोड़ा सा जिंदगी में उसको भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। चलते हैं गाइज इसके सिनोनिम्स की तरफ। तो सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे वॉब, सोरो, हर्ट, एगोनी एंड माइजरी। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम का ग्रुप फॉर्म करेंगे। एंटोनिम्स में ऑफकोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। इसके एंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स में वर्ड रहेंगे हैप्पी, डिलाइट, जॉय, कम्फर्ट एंड सोलेस। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज जो हमारा वर्ड है वो खुद एक नेगेटिव सेंस में है। तो दीज वर्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का ग्रुप बनेगा यहां से। एग्जाम्पल को देखते हैं, When Jacob was shot, तो जहां पे उसको शूट हुआ था, वो उसको गोली लग गई थी, he endured a great deal of pain and anguish, तो वो बहुत ज्यादा कुड़ला रहा था पेन के साथ, he was like starving for the pain and he was like in a very diplomatic situation he was, कि वहां पे उसको पेन से वो कर रहा था, पेन से वो दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था, at the same time he was suffering from a grief, right? तो ये बनता है इसका एक्सप्लेनेशन। आई वॉन्ट यू पीपल की प्लीज आप लोग भी ऐसे कुछ सेंटेंस बनाइए एंड जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राइट गाइस, तो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्लेनेशन। अगर आप भी जान चुके हैं इसका अच्छे से मीनिंग, तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाइए। हम लोग चलते हैं उतनी देर में सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड आपको दिख रहा है, दैट इज एनोनिमिटी। तो एनोनिमिटी का आपको मुझे मीनिंग बताना है। एक इमेज है आप लोगों के पास, इमेज से कुछ गेस कीजिए, कुछ सोचिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग। तो गाइस बताइए जल्दी से व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम्स फॉर द वर्ड दैट इज एनोनिमिटी। बताते जाइए गाइज व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वर्ड एनोनिमिटी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रीसेंट एग्जाम में नहीं, लेकिन 2014 एंड 15 के एग्जाम्स देखे तो ये वाला जो वर्ड है बहुत फ्रिक्वेंट रहा है पेपर्स में। चलते हैं गाइज हम लोग इसके मीनिंग की तरफ। इसका मीनिंग रहेगा द कंडीशन ऑफ हैविंग वंस आइडेंटिटी अननोन। जब एक कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, जब कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, वो नहीं चाहता है कि दूसरों को मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चले। जैसे हम हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है। हमारे पास जावा प्रोग्राम जी होते हैं, प्लस हमारे पास
अमेजिंग ट्यूब होते हैं, तो इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है. दे डोंट वॉन्ट कि हम लोगों को इनके नाम पता लगे. बहुत सुपर से इनके नाम होंगे एंड ये नहीं चाहते हैं कि कोई और इनका नाम कॉपी कर सके, तो इसलिए इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है. तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ चलते हैं इस शो के ऊपर, उनमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एनोनिमिटी में बिलीव करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं. राइट, ट्रिक देखते हैं गाइज. अब इसका ट्रिक क्या रहेगा, ए एनोनिमिटी इज द वर्ड एंड एनोनिमिटी. तो जहां पे स्टेट ऑफ बीइंग नेमलेस, जहां पे हम लोग अपने नेम के आगे नो लगा देते हैं, नो नेम, तो वहां पे हमारा ये मीनिंग बनता है दैट नेमलेस होता है. वो इंसान चाहता है कि मेरा आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आना चाहिए. राइट, चलते हैं गाइज हम लोग इसके सिनोनिम्स की तरफ. तो सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे इनविजिबिलिटी, जहां पे कुछ नहीं पता चलता कि क्या चीज हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, नेमलेसनेस, अनोमिनियसनेस. देन वी हैव इज इनकॉन्स्पिशियसनेस. राइट, सो इनकॉन्स्पिशियसनेस, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिनोनिम का ग्रुप फॉर्म करेंगे, जहां पे कोई इंटेंशली नहीं चाहता है अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना. एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एनोनिमिटी द फेमस एक्ट्रेस वोर डार्क ग्लासेस. अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जो बहुत सारे एक्ट्रेस होते हैं वो डार्क ग्लासेस पहनते हैं एंड अ बेसबॉल कैप वाइल वॉकिंग इन द पार्क. एंड जब भी वो पार्क में जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए डार्क ग्लासेस एंड वो बेसबॉल कैप पहनते हैं ताकि लोग उन्हें जल्दी से जज आउट ना कर पाए दैट दे यूज टू बेसिकली हाइड देयर आइडेंटिटी. राइट, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आप भी कुछ ऐसे सेंटेंस बनाइए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज आपके लाइफ में क्या चीज है जो एनोनिमिटी से एसोसिएट होती है. चलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट की तरफ. तो जो नेक्स्ट वर्ड हमने आज आपके लिए टेक अप करा है दैट इज मार्क की, तो आपको मुझे बताना है इन इमेजेस से जज आउट करते हुए व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट इज मार्क ही. बताइए गाइस जल्दी से क्या हो सकता है इसका मीनिंग मार्की का. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में आपको बिल्डिंग्स की एंट्रेंस आपको दिखाई जा रही है. तो मार्की बेसिकली इसमें से क्या है, किस चीज को हम लोग मार्की बोलते हैं. तो गाइस बताइए इन इमेजेस को जज आउट करते हुए. चलते हैं गाइज इसके मीनिंग की तरफ. ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे हर पिक्चर के सामने कुछ ना कुछ एक एंट्रेंस है. एंट्रेंस पे एक रूफ डाला गया है जो बेस विद बेस होता है, विद स्पोर्ट्स होता है या स्पोर्टलेस भी हो सकता है, हैंगिंग रूफ्स भी होते हैं. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड इमेज में जो है वहां पे सिर्फ हमें एक रूफ दिखाया गया है एंट्रेंस के ऊपर. मार्की बेसिकली होता है जहां पे मिनिस्टर्स एक दूसरे का रुककर वेट करते हैं, जैसे ही कोई ना कोई प्रेसिडेंट कुछ भी हाई डेलीगेट्स जो होते हैं वो लैंड करते हैं जब, तो मार्की में खड़े होके हमारे जो होस्ट होते हैं वो उनका वेलकम करते हैं. सो यहां पे न्यूज़पेपर में बहुत बार ये वर्ड यूज होता है दैट इज मार्की. राइट, चलते हैं हम लोग इसका इसके नेक्स्ट की तरफ. हम मीनिंग में देखते हैं परमानेंट कनोपी ओवर द एंट्रेंस ऑफ अ होटल और समथिंग एल्स और अ बिल्डिंग. राइट, तो जहां पे एक परमानेंट कनोपी रहता है, कनोपी इज अ टाइप ऑफ शेड जहां पे एक शेड सा रहता है एंड उस कनोपी के नीचे खड़े होकर हम लोग किसी का वेट करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं मार्की. अब देखते हैं इसका ट्रिक. मार्क जब मार्की से जाए तो बनता है हमारा वर्ड दैट इज मार्की. हम लोग जब रास्ता लेते हैं मार्की के अंडर से, मार्क जब मार्की की तरफ जाए तो हमारा वर्ड ये बनता है दैट इज मार्की. सिनोनिम्स को देखते हैं, तो सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे कनोपी, देन वी हैव ए साइन बोर्ड, टेंट एंड अवनिंग. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिनोनिम का ग्रुप फॉर्म करेंगे बिकॉज हर एक जगह पे हमें दिख रहा है कि साइन बोर्ड जो होता है वहां पे वेलकम का हम लोग वेलकम के लिए साइन करते हैं कि जिन्होंने वेलकम करना है वो इस मार्की के अंडर खड़े रहेंगे. सो दिस देयरफॉर दिस इज इन द ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स. अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल रहेगा द ओल्ड थिएटर इन द टाउन हैड अ मार्की साइन. तो ओल्ड थिएटर जो है टाउन में उसके ऊपर एक मार्की साइन है दैट स्टिल रीड नाउ शोइंग द बाजार ऑफ ओजी. राइट, तो दिस इज द कुछ मूवी होगा या कुछ ऐसी चीज होगी. ओल्ड थिएटर है तो मूवी का नाम होगा द बाजार ऑफ ओजी. तो यहाँ पे वहां पे ये जो मार्की साइन था उसके ऊपर हमेशा यही चीज लिखा होता है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. अगर आप लोग भी अच्छे से जान चुके हैं इसका मीनिंग, तो
कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाइए और साथ में लिख के बताइए ये वाला वर्ड जो है आपकी लाइफ में कैसे एसोसिएट हो सकता है. गाइस जितने आप लोग सेंटेंसेस बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज आपको उतना ही प्रैक्टिस के साथ आप लोग सुपरबली उसको सीख पाएंगे. आप लोग डेली बेसिस के ऊपर अपना फ्लुएंसी बनाने के लिए अपने लैंग्वेज में इन वर्ड्स का इस्तेमाल जब करेंगे अपनी लाइफ के एसोसिएशन में, तभी आपका होल्ड बन पाएगा अच्छे से लैंग्वेज के ऊपर. चलते हैं गाइस हम लोग इसके नेक्स्ट वर्ड की तरफ. तो जो नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है दैट इज फ्रॉरर. तो आपको मुझे बताना है इस इमेज को देखते हुए व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग सिनोनिम एंड एटोनिम्स फॉर दिस वर्ड दैट इज फ्रॉरर. माय फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी इन अ मार्की ऑफ हिज होम. दैट्स परफेक्ट. ओके दैट्स फाइन अरविंद कुमार. तो गाइज बताइए क्या मीनिंग हो सकता है फॉर दिस वर्ड दैट इज फ्रॉरर. ओके गाइज ये जो वर्ड है बेसिकली फ्रॉरर, इसका मीनिंग रहता है जैसे आपने एक्सप्रेशन देखा है उस इंसान का, सिचुएशन दैट एंगर्स एंड अपसेट्स मेनी पीपल. कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है एंड उनको देखने से ही वो उस चीज को देख के अपसेट हो जाते हैं. जैसे इमेज आप लोग देख रहे थे कि वहां पे वो जो इंसान था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो उसका मीनिंग होता है फ्योरर. राइट, जिस चीज को देखते ही गुस्सा आ जाए तो वहां से बनता है वर्ड दैट इज फ्रॉरर. ट्रिक देखते हैं अब इसका, कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं. ये जो वर्ड है फ्यूरोरर, इसको बेसिकली हम लोग रीड कर सकते हैं एज अ वर्ड रॉर. जैसे लाइन की बात करें, टाइगर की बात करें, वहां पे वो बहुत ज्यादा रॉर करते हैं, जो उनकी दहाड़ होती है बेसिकली उसको हम लोग इंग्लिश में रॉर कहते हैं. When does a person roar? जब कभी एक person चिल्लाता है किसी के ऊपर, roar करता है, कब करता है? When he is immensely in anger or very excitement. वो कब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला के या बहुत ज्यादा full of expressions के साथ होके वो जब बताता है कोई चीज या फिर उसके ऊपर वो चीज को command को throw करता है, तब हमारा ये word बनता है that is furor. बहुत ज्यादा गुस्से में आकर जब कोई चीज बोलना, roar करना, दहाड़ना, तब हम लेके इस word का meaning लेते हैं and trick बनता है हमारा for the word that is फिरौर. चलते हैं गाइस हम लोग इसके सिनोनिम्स की तरफ. तो सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे इट इज गोइंग टू बी एजिटेशन, आउटब्रस्ट, देन वी हैव इज फ्रेंजी, रक्सक एंड द लास्ट वन इज अपरॉर. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिनोनिम का ग्रुप फॉर्म करेंगे. टॉनिम्स में जो वर्ड एसोसिएट होंगे इट इज गोइंग टू बी काम, हार्मनी, पीस एंड क्वाइट. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये स्मूथ गोइंग रहेंगे, लाइक पॉजिटिव सेंस में रहेंगे, जहां पे चीजें बहुत शांत होती हैं, हार्मनी के साथ, पीस के साथ होती हैं. तो वो जो वर्ड्स हैं वो टॉनिम का ग्रुप फॉर्म करेंगे. हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को. द न्यूज दैट विंटर ब्रेक वॉज कैंसल्ड. जब किसी का ब्रेक कैंसिल होता है, जैसे अब यहां पे बात हो रहा है कि विंटर ब्रेक कैंसिल हो गया, तो ऑफकोर्स सभी को गुस्सा आएगा. इवन हमारे मेरी लाइफ में हो तो ऑफकोर्स मुझे भी गुस्सा आएगा. द न्यूज दैट विंटर ब्रेक वॉज कैंसल्ड कॉज्ड अ फ्यूरर थ्रू आउट द स्कूल डिस्ट्रिक्ट. तो जहां पे पता चला है पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट को कि जो विंटर ब्रेक था वो कैंसिल हो चुका है, तो ऑफकोर्स लोग दहाड़ेंगे, लोगों को गुस्सा आएगा, लोग रोर करेंगे. राइट, सो ये है इसका एक्सप्लेनेशन. अरविंद जी बता रहे हैं मैन फ्यूरर ऑन बैगर्स. ओके सो दैट्स परफेक्ट गाइज. सो ऐसे करके आप लोग भी अपने वर्ड्स को अपने लाइफ के सेंटेंसेस बनाइए एंड अपनी लाइफ के एसोसिएशन में उन सेंटेंसेस को यूज कीजिए एंड सेंटेंसेस बनाते जाइए. चलते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ. जो नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है दैट इज कोरोब्रेट. कोरोब्रेट इज द वर्ड. साथ में आपके पास प्रोनंसिएशन भी है. ये वर्ड बहुत ज्यादा सिमिलर है विद द वर्ड collaborate and हमने जो word लिया है that is corroborate is the word and this word is basically a verb in nature. part of speech की बात करें तो ये verb होता है. pronunciation भी आप लोगों के लिए है सामने, plus एक image है. तो guys आप लोग हमें judge out करके बताएंगे image में से क्या आपको लगता है what is going to be the meaning for this word that is corroborate. My father fraud when I broke the window glass. Okay, Taranji, that's perfect. Of course, ऐसी चीजों के ऊपर of course डांट पड़ता है सभी को and parents roar करते हैं. To prove, to investigate. Okay, guys, that's perfect one. Of course, ऐसा ही कुछ situation रहता है जब corroborate होता है. चलते हैं guys, हम लोग इसके meaning की तरफ. तो meaning में word रहेंगे.
इसका मीनिंग रहेगा टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट विद अदर एविडेंस और मेक मोर मेक सम सिचुएशन मोर सर्टन. तो जब हम लोग किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं किसी का, जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तब हम लोग उसको प्रूफ देते हैं उस चीज का, अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसका प्रूफ देते हैं उन्हें, तब ये वर्ड बनता है, दैट इज कॉरोबोरेट. एंड इसका ट्रिक देखते हैं अब हम लोग कैसे इसको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, दैट इज साउंड्स लाइक कोलैबोरेट. तो ये जो वर्ड है कॉरोबोरेट, ऑफ कोर्स ये कुछ साउंड करता है विद द वर्ड दैट इज कोलैबोरेट. तो कोलैबोरेट का मीनिंग क्या रहता है, विद द सपोर्ट, किसी चीज की सपोर्ट के साथ जब हम लोग कोई काम करते हैं तो वर्ड बनता है कोलैबोरेट. कोलैबोरेट से ही आप लोग इसका मीनिंग याद रखेंगे, दैट इज कॉरोबोरेट. कॉरोबोरेट होता है किसी एविडेंस के साथ किसी को सपोर्ट करना, राइट. चलते हैं गाइस हम लोग सिनोनिम्स की तरफ. तो सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे दैट इज ऑथेंटिकेट, सर्टिफाई, सब्सटेन एंड देन वी हैव इज वैलिडेट. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स का ग्रुप फॉर्म करेंगे. एटोनिम्स में वर्ड रहेंगे डिसप्रूव, वीटो, डिसएग्री, डिसक्लेम, देन वी हैव इज डिसक्रेडिट. तो जहां पे एक अग्रीमेंट नहीं होता है, जहां पे हम लोग उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो सारे वर्ड्स बनाएंगे एटोनिम्स का ग्रुप. एग्जाम्पल को देखते हैं. Dr. Samuelson was glad his partner was willing to corroborate his scientific finding. तो वहां पे जो डॉक्टर सैम्यूलसन हैं वो बहुत खुश थे कि उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, उन्होंने अग्रीमेंट दे दिया है अपना फॉर द कॉरोबरेट. वो सपोर्ट करेंगे, अब उसको सपोर्ट करेंगे साइंटिफिक फाइंडिंग्स को जो डॉक्टर सैम्यूलसन ने करी हैं, राइट. उसकी फाइंडिंग्स को वो सपोर्ट करने वाले हैं. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. कृष्णा जी हमें एक सेंटेंस दे रही हैं. I corroborated the incorrect question papers of English CBSE board this year. Okay, that's fine, dear. The SSC students corroborate about SSC scam. That's perfect one. We are giving to corroborate to SSC for SSC scam. Okay, तो देखते हैं guys, बहुत अच्छे sentences दिए हैं everyone, Saurabh, Tarun. That's really perfect one. चलते हैं गाइस हम लोग इस अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ. तो जो नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है दैट इज फॉसुलेट. फॉसुलेट इज द वर्ड एंड जहां पे आपके पास प्रोनंसिएशन भी है, साथ में एक इमेज है आपके पास. अब गाइस आप लोगों को इमेज देखना है और जल्दी से बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग, सिनोनिम एंड एटोनिम फॉर दिस वर्ड दैट इज फॉसुलेट. गाइज इमेज देखिए और बताइए क्या मीनिंग रहेगा फॉर दिस वर्ड दैट इज फॉसिलेड. एंड ये जो वर्ड है बेसिकली फॉसिलेड, ये जो वर्ड है बेसिकली नाउन है. पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन की तरह एक्ट करता है. एंड इमेज हमें दिख रहा है कि बहुत सारे आर्मी पीपल खड़े हैं एंड वो एकदम से अटैक कर रहे हैं, ब्लास्ट ऑफ फायरिंग हो रहा है इमेज में जो हमें दिखाई दे रहा है. चलते हैं गाइज हम लोग इसके मीनिंग की तरफ. तो मीनिंग इसका रहेगा अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फायरिंग दैट अकर्स रैपिडली. जब एकदम से बहुत ज्यादा गोलीबारी होना स्टार्ट हो जाता है तब ये हमारा वर्ड बनता है दैट इज फॉसुलेट. अब देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं. वैसे तो इमेजेस भी जो आपको दिखाई जाती हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी इमेजेस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. तो ये जो इमेजेस हैं ये भी एक तरह का ट्रिक है आप लोगों के लिए. आप लोग पहले कुछ अजम्पशन लेते हैं, वहां से जज आउट करते हैं कुछ चीज, देन जब आपको मीनिंग पता चलता है देन आप डायरेक्टली उस चीज को एसोसिएट करते हैं विद योर ओन हैपनिंग्स ऑफ द लाइफ. तो जब ऐसे हम लोग एक लिंकेज बनाते हैं स्टडी करने का, चीजों को लर्न करने का, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे माइंड से नहीं निकल पाती हैं. गाइस चलते हैं हम लोग इसके ट्रिक की तरफ. ये जो वर्ड हमने बेसिकली लिया है दैट इज फॉसिलेट. तो फॉसिलेट को हमने थोड़ा से इसके प्रोनंसिएशन को चेंज करा है. फॉसिलेट राइम्स लाइक फ्यूज स्प्रेड. तो फ्यूज स्प्रेड क्या होता है, जब फ्यूज लाइक हम लोग जो गन पाउडर होता है उसको फ्यूज भी बोलते हैं. जब एकदम से फ्यूज का स्प्रेड होने लगता है दैट इज कंटिन्यूशन में, वो जब चलती जाती है तब ये हमारा वर्ड बनता है दैट इज फॉसिलेट. लाइक फॉसिलेट, तो फ्यूज का जब प्रेड होता है तब हमारा वर्ड बनता है दैट इज फॉसुलेट. राइट, चलते हैं गाइज हम लोग इसके सिनोनिम्स की तरफ. तो सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे दैट इज बैरेज, सेल्वो, हेल, वॉली एंड देन वी हैव द ब्रॉड साइड. तो जहां पे चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम से चलती हैं, एकदम से स्टार्टअप लेती हैं, वहां पे ये वाले वर्ड सिनोनिम्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल को देखते हैं. एग्जाम्पल में आपके पास वर्ड रहेंगे, एग्जाम्पल को देखते हैं. द प्रिजनर्स वर किल्ड बाय अ फॉसुलेट ऑफ बुलेट्स
फ्रॉम अ फायरिंग स्क्वाड, तो जहां पे जो प्रिजनर्स थे उनको वो मर चुके हैं, किल हो चुके हैं बाय फॉसिल एड ऑफ द बुलेट्स, बिकॉज एकदम से जब बौछार हुआ था गोलियों का तो उस समय फायरिंग स्क्वाड की तरफ से तो उनको जो प्रिजनर्स थे वो मर चुके थे, राइट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, उनको मारा गया था ऐसे विद लाइक विद द फॉसिल एड ऑफ बुलेट्स बेसिकली. सौरभ जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है हमें, फॉलिसेड इन मुंबई ऑन 26/11. तो ये जो 26/11 का जो था दिन था, उस दिन मुंबई में बहुत ज्यादा फॉलिसेड हुआ था. दैट्स परफेक्ट. ओके गाइस, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ. तो जो नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है दैट इज रस्टिकेट. तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग सिनोनिम एटोनिम फॉर दिस वर्ड दैट इज रस्टिकेट. बताइएगा इस इमेज को देखते हुए क्या हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग. दिस मीनिंग इज दिस वर्ड इज वेरी कॉमन बेसिकली, बहुत बार यूज होता है, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन जो नहीं जान पाते हैं इसका मीनिंग, या जिसको नहीं पता है उनके लिए ये क्वेश्चन है कि थोड़ा सा जज करके बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट इज रस्टिकेट. तरुण जी बता रहे हैं फसिलेट इज अनसर्टन नियर बॉर्डर एरिया. तो ऑफकोर्स हमें कभी नहीं पता होता है कि कब गोलियों की बौछार शुरू हो जाएगी, जब लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं. ओके चलते हैं गाइस हम लोग अपने इस नए सेवेंथ वर्ड की तरफ. रस्टिकेट जो वर्ड है बेसिकली, इमेज देख के हमें पता चल रहा है कि बाकी जो बच्चे हैं वो सेपरेटली खेल रहे हैं, और एक बहुत सुंदर सा जो बच्चा है वो थोड़ा सा गुस्से में आके थोड़ा नाराज होकर बैठा हुआ है सेपरेट होके. अब देखते हैं हम लोग इसका मीनिंग क्या होता है. रस्टिकेट इज बेसिकली टू सस्पेंड अ स्टूडेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एज अ पनिशमेंट. तो जब किसी को यूनिवर्सिटी, स्कूल या फिर कॉलेज में से निकाल दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पे, तब ये हमारा वर्ड बनता है दैट इज रस्टिकेट. अब देखते हैं इसका ट्रिक क्या है. रस्टिकेट मतलब किसी को रस्टिक बनाना, मेड और बैनिश टू बिकम रस्टिक. रस्टिक होता है डिसिप्लिन बनाने के लिए. जब हम लोग किसी को रस्टिकेट करते हैं तब ये हमारा वर्ड बनता है रस्टिकेट. इसके सिनोनिम्स को देखते हैं गाइस. सिनोनिम्स के वर्ड रहेंगे डिसमिस, एग्जाइल, डिपोर्ट एंड डिसलॉज. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये बनाएंगे सिनोनिम का ग्रुप. एटोनिम में वर्ड्स रहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे. एक्सेप्ट करना किसी को, इनकॉर्पोरेट, इंक्लूड, एडमिट एंड अलाउ. तो ये जो वर्ड्स हैं जहां पे हम लोग किसी को अलाउ करते हैं अटेंड, कोई स्कूल अटेंड करना, ऑफिस अटेंड करना, जब हम लोग उनको अलाउ करते हैं तब ये ऑटोनम जो भी वर्ड एसोसिएट होगा वो ऑटोनम्स का ग्रुप फॉर्म करेगा. सीबीएसई कृष्णा जी कह रहे हैं टू रिमूव फ्रॉम द ग्रुप अलोन फ्रॉम सम टाइम और लीव सेंस सम वन आउट ऑफ द ग्रुप. परफेक्ट गाइस, बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं आप लोग. अब देखते हैं इसके क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा इसके एग्जाम्पल का. फियरिंग दैट हिज कॉलेज वुड रस्टिकेट हिम फॉर हिज पुअर ग्रेड्स. उनको डर था कि उनके पुअर ग्रेड्स होने के कारण उनका जो कॉलेज है उनको रस्टिकेट कर देगा. द स्टूडेंट हायर्ड अ मैथ ट्यूटर. तो उसने अपने मैथ ट्यूटर को हायर करा है टू हेल्प डेटर और सस्पेंशन, अपने सस्पेंशन को रोकने के लिए, डेटर करने के लिए उसने एक मैथ ट्यूटर को हायर करा है, राइट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आप भी गाइज अपने लाइफ के एसोसिएशन में से इस वर्ड का सेंटेंस बनाइए और कॉमेंट सेक्शन में लिखिए. He was rusticated from school. Company rusticate from my job. Company rusticate me from my job. The army police was restricted nahi aayega, they were rusticated aayega by the chief. Okay, that's perfect. Chalte hain guys hum log apne next word ki taraf. To jo next word humne liya hai that is overwrought. To aapko mujhe batana hai image dekhte hue what is going to be the meaning. Synonym and antonym of course for this word that is overwrought. ये जो वर्ड है ओवरऑल बेसिकली ये एडजेक्टिव रहता है. इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव आएगा. प्रोनंसिएशन भी आप लोगों के पास है तो इमेज में से गेस करके बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग फॉर दिस वर्ड दैट इज ओवरऑल. रमेश वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज व्हेन ही वॉज फाउंड चीटिंग इन एग्जामिनेशन. ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम स्कूल व्हेन ही क्रैक्ड When he burst crackers in the school. Okay, that's perfect.
चलते हैं गाइस, हम लोग अपने इस वर्ड के मीनिंग की तरफ। ओवरवर्ट का मीनिंग रहता है इन द स्टेट ऑफ एक्सेसिव नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और एंगर। जब हम लोग जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं या फिर गुस्से में आ जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, तब ये हमारा वर्ड बनता है, दैट इज ओवरवर्ट। अब इसका ट्रिक देखते हैं कैसे हमें इस वर्ड को याद रखना है। एक्सक्यूज मी गाइस, इसका ट्रिक देखते हैं। ओवर रोट इन एग्जाम इन लास्ट 5 मिनट, जब हम लोग ओवर राइट करते हैं किसी चीज को लास्ट 5 मिनट में, तब क्या होता है, हम लोग या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ, कि ये भी क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, तो ओवर एक्साइटमेंट में हम लोग किसी चीज को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अगर हमें जब नर्वसनेस होता है कि सिर्फ 5 मिनट रहते हैं और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है, तब नर्वसनेस के साथ भी हम लोग कुछ चीजों को लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका ट्रिक, ऐसे आपको याद रखना है ओवर रॉट के साथ, ओवर रॉट इन लास्ट 5 मिनट्स, एग्जाम के साथ आप लोग याद रखेंगे इस वर्ड को। सिनोनिम्स को देखते हैं, सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे अफेक्टेड, क्रेजी, हाइपर, नर्वस एंड वेरी। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं जो एक बता रहे हैं एक्सेसिव में, एक्सेस में होना किसी चीज का, नर्वसनेस हो, एक्साइटमेंट हो, कोई भी चीज हो जिसका एक्सेस में होता है, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एसोसिएटेड रहेंगे। एटोनिम्स में वर्ड रहेंगे काम, काम, रेस्टेड, कूल एंड कलेक्टेड। सो दीज वर्ड आर गोइंग टू फॉर्म द ग्रुप ऑफ एटोनिम्स। स्टूडेंट्स बता रहे हैं हाइपर, टेंस्ड, टायर्ड, perplexed, anxious, confused, worried, that's really brilliant guys, सभी के बहुत अच्छे आंसर हैं। जावा जी कह रहे हैं ये उनके लिए वर्ड सूट करता है। ओके चलो, एटलीस्ट आप लोगों के सेंटेंसेस आने शुरू हुए अपनी लाइफ के एसोसिएशन में, चाहे ये वर्ड आपके लिए आज सूट करता है, दैट्स परफेक्ट जावा। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को। द ब्राइड वॉज ओवरवर्ट वेन द फ्लोरिस्ट डिलीवर द रॉन्ग फ्लावर ऑर्डर। तो जब ब्राइड को, दुल्हन को, जब उसके शादी वाले दिन गलत फ्लावर्स मिल जाते हैं जो उसने ऑर्डर नहीं करा होता है, अगर उसे गलत फ्लावर्स मिल जाते हैं उस दिन, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, एक्सेस में उसको गुस्सा आएगा, एंड गुस्से में हम लोग वहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज ओवरवर्ट, राइट। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग और एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस। लेट्स टेक द नेक्स्ट वर्ड। थैंक यू तरुण, आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज क्यूरम। तो क्यूरम, तो आपको मुझे बताना है वट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्यूरम। इस इमेज को देखिए अच्छे से, समझिए क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे ये इमेज क्या खुद में बोल रही है, क्या आपको बताना चाहती है, कैसे इस वर्ड का मीनिंग आपको ये इमेज बताना चाहती है फॉर द वर्ड दैट इज क्यूरम। ये जो वर्ड होता है क्यूरम, बेसिकली नाउन रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो गाइज बताइए क्या हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग, तो गाइस जल्दी से बताइएगा। टाइम मैनेजमेंट प्रिवेंट्स ओवर राइटनेस। ओके, आई गेट ओवर राइट वेन एवर द क्वेश्चन कम्स आउट ऑफ द सिलेबस इन द एग्जामिनेशन, दैट्स परफेक्ट आलम। आई ओवर राइट वेन आई लुक्ड एट एसएससी पेपर। ओके सो गाइस परफेक्ट वन, बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स आ रही हैं आप लोगों की। चलते हैं गाइस हम लोग इसके मीनिंग की तरफ। तो इसका मीनिंग रहेगा द नीडेड नंबर ऑफ पीपल टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ बिजनेस। तो जहां पे कुछ सेट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड होते हैं, अब इंटरव्यूज की बात करें तो जहां पे इंटरव्यू पैनल पूरा होता है एंड उसमें से एक आधा बंदा भी जब मिसिंग होता है कुछ वन पर्पस और अदर, तो वहां पे इंटरव्यू पैनल कंप्लीट नहीं होता है। लाइक यहाँ पे हम लोगों के भी, यहाँ पे जब रिक्रूटमेंट्स होते हैं तब वी यूज टू हैव अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल इन द इंटरव्यूइंग पैनल। तो वहां पे क्यूरम क्या रहता है, दैट इज 4, 4 लोगों के बिना वो इंटरव्यू सेशन नहीं कंप्लीट हो पाता है। कितना मिनिमम नंबर ऑफ इंटरव्यूइंग पैनल होना चाहिए, दैट इज बेसिकली द क्यूरम, राइट। जैसे पहले इमेज आपको दिखाया गया है जहां पे आपको एक ग्रुप दिखाया गया है जो बैठे हैं, कुछ लोग हैं 9 से 10 लोग थे वहां पे, एंड वहां पे उनका क्यूरम बताया गया था कि ये जो क्यूरम है इतने मेंबर्स होंगे तभी कोई बिजनेस डील हो पाएगा, राइट। अब क्यूरम देखते हैं। क्यूरम जो वर्ड है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द वर्ड लाइक फॉरम। तो जब हम लोग किसी भी चीज के लिए फॉरम फिल करते हैं, देयर नीड्स द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल फॉर कंडक्ट ऑफ अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने के लिए जब फॉरम निकलता है तब वहां पे कुछ ना कुछ सेट ऑफ पीपल होते हैं, अकेला बंदा जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता है, तो कुछ डिसीजन लेने के लिए
कुछ हमारे पास कॉरम होना चाहिए, एटलीस्ट इतने लोगों का अग्रीमेंट हमें चाहिए कुछ भी डिसीजन को पास करने के लिए. देखते हैं गाइज इसके सिनोनिम्स को. तो सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे इट इज गोइंग टू बी अटेंडेंस, लीगल मिनिमम एंड पैलिनम. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिनोनिम के ग्रुप फॉर्म करेंगे. एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग गाइज. टू मेनी एब्सेंसेज ड्यू टू द समर वेकेशन कॉज द मीटिंग टू कैंसल. तो बहुत सारे एब्सेंटीज थे समर वेकेशन के कारण, तो मीटिंग जो है वो कैंसिल हो चुका है. सिंस द कॉरम वॉज नॉट फॉर्म, बिकॉज जितना मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड था, जब वो नहीं अचीव हो पाता है, नहीं उतने लोग अटेंड कर पाते हैं उस मीटिंग को या फिर उस डिसीजन का बिजनेस डील को, तब वो क्या है, वो मीटिंग कैंसिल करा जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्योरम. राइट, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड दैट इज क्योरम. चलते हैं गाइज हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ. नेक्स्ट वर्ड है जो गाइस वो दैट इज योमन. तो आपको मैं आपको बताना है इस इमेज को देखते हुए क्या आपको लगता है क्या इसका मीनिंग रहेगा फॉर दिस वर्ड दैट इज योमन. तेजप्रीत जी बोल रहे हैं वोकैबुलर्स इज अ थ्योरम ऑफ इंग्लिश लर्नर. सो दिस इज अ रियली गुड सेंटेंस बिकॉज ऑफ कोर्स वोकैबुलर्स, जो वोकैबुलरी आप लोग यहां से सीखते हैं वो आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आप लोग कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, इंग्लिश एक ऐसा चीज आजकल बन चुका है जिसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है. बिकॉज आजकल क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, बाउंड्रीज जो भी हैं, डिमार्केशंस हैं, आइसोलेशंस हैं, उनका कुछ भी मीनिंग नहीं रहा है. वो सारी डिमार्केशंस, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, आइसोलेशंस, वो सारी चीजें पर्पसलेस हो चुकी हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस हो चुकी हैं. व्हाई? बिकॉज एवरीबॉडी इन इंडिया इज नाउ अप्रोचिंग टू होल्ड अ स्वॉर्ड इन देयर हैंड ऑफ द लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश का हथियार सभी लोग अपने हाथ में लिए खड़े हैं ताकि उनको किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में दिक्कत ना हो, एक कंट्री से इवन दूसरी कंट्री में जाने में दिक्कत ना हो. विद द पावरफुल स्वॉर्ड, इतना बड़ा हथियार है उनके पास एंड वो हथियार क्या है, इंग्लिश. एंड हम लोगों का भी अप्रोच यही है कि आपको आपका ये जो हथियार है इंग्लिश का, टूल है जो इंग्लिश का, उसे हम लोग आपकी हेल्प करते जाए कि वो और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो पाए. सो गाइज लौटते हैं हम लोग अपने वर्ड की तरफ. योमन वॉज द वर्ड. चलते हैं गाइज इसके मीनिंग की तरफ. इसका मीनिंग रहेगा अ फार्मर लॉन्ग अगो हु ऑन्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड. तो यहां पे हम लोग बात करते हैं जिसके पास थोड़ा सा लैंड होता है, जो फार्मर होता है, जिसके पास थोड़ा लैंड होता है, जो अपने छोटी सी फार्मिंग को कंटिन्यू करता है, जिसके पास थोड़ा लैंड होता है, बहुत हाई फाई फार्मर नहीं होता है, वो स्मॉल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस होता है जिसका, उसको हम लोग कहते हैं योरमैन. अब देखते हैं गाइज इसका ट्रिक क्या है. अ सेल्फ सेटिस्फाइड मिडिल क्लास फार्मर ऑलवेज सेज योरमैन. सो गाइज जो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, बिकॉज जितना हम लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं उतना पैसा हमें दौड़ाता है. तो जो इंसान अपनी लाइफ में सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, जिनको नहीं रिक्वायर्ड होता है किसी चीज का, तो ऑफकोर्स वो ऐसी लैंग्वेज जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं वो योमैन जैसे बोलते हैं. तो हमारा यहां से ट्रिक बनेगा फॉर द वर्ड दैट इज योमैन, मतलब मिडिल क्लास का कोई भी फार्मर जिसका स्मॉल लैंड हो, जो स्मॉल लैंड में ही सेल्फ सेटिस्फाइड हो. राइट, चलते हैं गाइज हम लोग अपने सिनोनिम्स की तरफ. तो सिनोनिम्स में वर्ड रहेंगे दैट इज अटेंडेंट, कॉमनर, देन वी हैव इज क्लर्क, फ्री होल्डर एंड सबऑर्डिनेट. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिनोनिम का ग्रुप फॉर्म करेंगे. ऑटोनिम्स में जो वर्ड रहेंगे, ऑफकोर्स ऑटोनिम्स की बात करें तो बॉस की बात आएगी, बॉस, मैनेजर एंड मास्टर. दीज वर्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ ऑटोनिम्स. अब देखते हैं गाइज हम लोग एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल में है द योमन वॉज स्लोली सेविंग हिज मनी सो ही कुड परचेज हिज ओन फार्म. तो ये जो योमन है, जो एक स्मॉल स्केल फार्मर है, वो क्या कर रहा है, ही इज बेसिकली सेविंग हिज मनी. वो धीरे धीरे करके अपना पैसा सेव कर रहा है ताकि वो अपना खुद का एक फार्म लैंड खरीद सके. राइट, तो गाइज दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर लास्ट वर्ड. अगर आप लोग भी अच्छे से सभी वर्ड्स का मीनिंग जान चुके हैं तो एक और प्रैक्टिस आप लोग अपनी इंग्लिश को बढ़िया करने के लिए कर सकते हैं. इन 10 वर्ड्स को उठाइए और इन्हीं 10 वर्ड के आसपास अपनी स्टोरी, एक आर्टिकल आप लोग लिखेंगे, एक स्टोरी डेवलप करेंगे जिसमें आप सिर्फ इन 10 वर्ड्स को ही यूज करके अपने सेंटेंसेस को कुछ ऐसा स्टोरी डेवलप करिए जिसमें ये सारे 10 के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स यूज हो जाएं. एंड आपका साथ में सेंटेंसेस भी बनेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका प्रैक्टिस होगा, आप लोगों का ग्रामर चेक होगा यहां पे, प्लस आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी जाएंगी. तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको हेल्प करेंगी आपका इंग्लिश स्ट्रांग करने में.
चाहे आप लोग एग्जाम के लिए जा रहे हैं तब भी हेल्प करेगा, चाहे आप लोग किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन अगेन इट इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो भी दिस वोकैबुलरी इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. लाइक क्योंकि किसी के साथ भी जब हम लोग बात करते हैं तब इम्प्रेसिव बात कब होता है, जब हम लोग उसको इफेक्टिवली किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. थोड़ा क्वालिटी वाला इंग्लिश बोलेंगे तो और मजा आएगा आप लोगों को, खुद आप लोग अपनी कम्युनिकेशन को इंजॉय करोगे. राइट गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ वोकैब डोज शो. कल फिर हम लोग आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर आएंगे, बहुत सारा R&D करने के बाद, दैट कौन से वर्ड्स हैं जो आपके लिए आपके व्यू पॉइंट से आपके नजरिए से देखते हुए जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं हम लोग उन 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं. सो टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स. टुमारो अगेन हम लोग फिर से मिलेंगे 5 बजे इसी शो पे इसी समय. थैंक यू गाइज़.